नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का आज दूसरा आरग है और इसके साथ ही छठ के पूजन की समाप्ति हो जाएगी। तो हम पहुंचे हैं पटना के गायघाट पर। गायघाट पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोगों की भीड़ है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और किस तरीके से जो है वो भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है घाटों पर। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो उत्साहित हैं और भारी भीड़ नज़र आ रही है। छठ का व्रत कर रही हैं आप, मांग क्या रही है छठ की? मांग रहे हैं कि सब बढ़िया से सब कुल परिवार रहे, सुखित रहे। छठ का महत्व क्या है ये बता? महत्व बहुत है, बहुत महत्व है, उनको से कोई बढ़ के पर्व नहीं है। 36 घंटे का व्रत हो गया। छठ का व्रत कर रही है, क्या मांग रही है छठी मैया से? मांग रहे हैं बाल बच्चा के बढ़िया से रखे छठी में, धन लक्ष्मी दे। और कुछ बेटा हो जाए और रहे, आप कुछ मांगे छठी में से बाल बच्चा धन दौलत मांग रहे हैं। आओ क्या मंदिर तरनी पाइते सुरुजा देवा हथवा गेलो दुख। मंदिर तरनी पाइते सुरुजा देवा हथवा गेलो दुख। तैयो न छोड़ला सुरुजा देवा बांझी के रहे नाम से जो के पुरुखवा गे बांझिया हथवा धारी बैठ। बाल बच्चा के रूप दुख बिलाई धारण करते हैं छठी भैया, अब क्या मांगेंगे वही बहुत है हमारे लिए। मांग रहे हैं कि हम लोग क्या खुशी रखे तो हम फिर यहाँ आके दर्शन करें। छठ का एक गीत सुना दीजिए आप। कॉपी कॉपी बोले थी सूरज देव सुनाए सेवक लोग मोरो घाटे दुभिया जल में गेलो सेवक बसेड़ल मकरी बसेड़ल। कार्तिक मास में जो छठ मनाया जाता है और अभी जो चैती छठ मनाया जाता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो फर्क कुछ नहीं है, समय तो आदमी ठाकुर जी कहाँ जोड़ते हैं, फर्क इसमें क्या है? अच्छा, इसकी खासियत तो कुछ भी नहीं, जब जब आदमी का मनोत पूरा होता है तो कोई कार्तिक में भी करता है, कोई चैत में भी करता है। दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छठ की छटा जो है वो छाई हुई है और लोग उत्साहित हैं, लोग आ रहे हैं लगातार सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के लिए। तो इसी तरह से उगते सूरज को अर्घ देकर के आज लोक आस्था के महापर्व चैती छठ की समाप्ति हो गई। बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ देशवा न्यूज़ पर देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।